वीएन जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जहां पर टनल स्थित है उत्तरकाशी का एरिया काफी ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और वहां पर इस तरह की ड्रिलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं सिस्मिक एक्सपर्ट भी वहां पर बुलाए गए हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। आपसे स्थिति समझना चाहूंगी कि कितनी बड़ी चुनौती रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में और अभी कितनी चुनौतियां बाकी हैं। देखिए, जब भी इस तरह की टनलिंग काम होती है तो इसमें कुछ जो पॉसिबिलिटी है इमरजेंसीज की, एक्सीजेंसीज की और डिरेलमेंट की, छोटे छोटे जो इमरजेंसीज हैं वो उनकी हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। जो मड स्लाइडिंग होती है, मड सिंकिंग होती है, ये हिमालयन रेंजेज में ये आम है। तो जब भी कोई टनलिंग वर्क होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इंजीनियर है वहाँ का, वो इन सारी चीज़ों से यूजली वाकिफ होता है। और इसीलिए जब वो ड्रिलिंग की काम शुरू होती है तो वो जितने भी उन दुविधाओं को, बाधाओं को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, उसे निजात पाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, वो उनके साइड में, आसपास में कहीं पे होती है। यहाँ पे अभी जैसे देख रहे हैं कि ड्रिलिंग काम परसों से शुरू हुआ अगस्त से, जबकि काफी आगे बढ़ चुका है, और फिर भी जो जिस तरह की बाधाएं आ रही हैं, इससे ये लगता है कि जो कोलैप्स हुई है रूफ, जो रिब्स होती है, जैसे जैसे आप ड्रिलिंग आगे करते आते हैं तो उसके रिब्स बनाए जाते हैं, और वो रिब्स, तो चूंकि ये सारी चीजें कोलैप्स की गई हैं, आपको सरिया मिल रहा है वहां पे, आपको आयरन के छड़ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो रिब्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूँ, लेकिन लगता है फर्स्ट जो एनालिसिस होती है उसमें लगता है कि वो जो सेफ्टी का जितना उसमें भार, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, शायद उन रिब्स में उतनी कैपेसिटी नहीं थी। ये आने वाले दिनों में जब उसका जांच होगा पता चलेगा। और यही चीज है कि जब वो रिब्स कोलैप्स हुए हैं तो उसी के साथ में उसमें जो छड़ हैं, उसमें जो आयरन के जो रॉड्स हैं, वो सारी चीजें अभी ये इस ड्रिलिंग मशीन के सामने आ रही है, तो उसको मैनुअली आगे काटना पड़ेगा क्योंकि ये मशीन उसको नहीं काट सकती है। तो चलिए, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अब बिल्कुल नजदीक में है, और जैसे आपने बताया कि डीप पेनिट्रेशन रेडार से इसका स्कैन किया गया है, यही आपको मैंने आज से लगभग 5-6 दिन कहा था पहले कि जब भी इस तरह की खुदाई होती है उसमें डीप पेनिट्रेशन रेडार का जरूर उपयोग करें, क्योंकि वो सरफेस के नीचे जाके आपको बताती है कि किस किस तरह की बाधाएं आपको मिल सकती हैं, चाहे वो मेटल हो, चाहे कंक्रीट हो, चाहे स्टोन हो, किस तरह की स्टोन है, किस तरह की मिट्टी है, और कहीं ना कहीं अगर वो पानी और वो सब चीजें अगर मिल जाएगी जो सॉफ्ट मड होती है, तो वो एक खतरा बन जाएगी। जो लोग वहां पे टनल में फंसे हुए हैं, अगर उतना सारा पानी एक साथ में जाके वहां पे गिरेगा तो वो सब डूब जाएंगे उसमें। तो इस तरह के पॉसिबिलिटी होते हैं, वही डीप पेनिट्रेशन रेडार आपको पहले से फोरवार्न करता है कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। और आज जब आपने ये बताया कि आज के दिन में डीप पेनिट्रेशन रेडार ने ये बताया है कि आगे किसी तरह का रुकावट, बाधा नहीं है, तो सबों के मन में शांति होनी चाहिए। अगर मशीन अगले कुछ घंटे में मेरे ख्याल से वहां तक पहुंच जाएगा, और वो जो आपने एक छोटी सी ट्रॉली अभी देखी थी जिसमें के बक्से आए थे, जिसमें वर्कर आए थे, उसी में सारे मजदूरों को स्ट्रैप करके एक एक करके खींचा जाएगा और उनको लाया जाएगा। और वो सब मतलब भले चंगे लगते हैं, लेकिन जब उनको लाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि उनको सबको छोटी छोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, सबों को मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा, फिर उनकी वहां पे उपचार होगी, लेकिन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं सारे जो स्वजन है उन मजदूरों के, उनको बधाई देता हूं कि सरकार ने अप्रत्याशित रूप से काम किया हुआ है, जितने एजेंसी हैं सबों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। अंत भला तो सब भला, ऑल द बेस्ट टू द ऑल जितने भी मजदूर हैं।